بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما صدق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم له ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون صلوات عزیزان گرامی، میں فردن فردن آپ میں سے ہر ایک کا شکر گزار ہوں، اور مجھے اس کا افسوس ہے کہ محرم کے بعد یعنی عشرہ اول کے بعد چونکہ بعض مجلسوں کے دوران میں علیل ہو چکا تھا، اس لیے کما حقہو اپنے فریضے کو ادا نہ کر سکا، مجھے واقعی اس کا افسوس ہے۔ اور شکر گزار اس کا ہوں کہ آپ کے تمام تر توجہات نے اور آپ کی پر اخلاص دعاؤں نے مجھے پھر یہ قابلیت عطا کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو زحمت دوں۔ یہاں کی تقریروں کے لیے جس عنوان کا اعلان کیا گیا ہے اس کا یقیناً آپ کو علم ہے، اور وہ عنوان یہ ہے اکمال دین و اتمام نعمت۔ اکمال دین و اتمام نعمت، یہ ایک عجیب بات ہے کہ تقریباً اسی نام سے ایک بڑی اہم کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے، اکمال الدین و اتمام النعمہ، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، جن کا سنہ وفات 381 ہجری ہے، اپنے آخر زمانے میں یہ چاہا کہ ان تمام احادیث کو جمع کیا جائے جو انبیاء اور اوصیاء ما سبق کے زمانہائے غیبت کے لیے آئیں، اور پھر اس کتاب کے لیے انہوں نے مرکز بنا دیا ولی عصر حضرت حجت، اور اس کا نام رکھا اکمال الدین و اتمام النعمہ۔
मगर इस उन्वान को जब मैंने आपकी हुस्न समाहत के लिए मुंतखब किया तो मेरी निगाह में बाज और अहम उमूर थे। मुमकिन है नतीजे पर हम वहीं पहुंचे, क्योंकि दीन का कमाल और नेमत का इत्माम उसी जाते गिरामी पर है, उसी जाते गिरामी पर है। लेकिन इफ़हाम व तफ़हीम के लिए, दर्स व तदरीस के लिए, मसाइल को समझाने के लिए इस उन्वान पर काफी आपको तवज्जो देने की जरूरत है और यकीनन आपके तवज्जोहात के बाद ये उन्वान इस काबिल हो जाएगा कि आप जिन जिन को मसाइल समझाया करते हैं उनके लिए आप बहुत सा मवाद इन मजलिसों से ले जाएंगे। मैंने सूरह नहल की एक आयत की तिलावत की है। सूरह नहल कलामे मजीद का 16वां सूरा है और इस आयत का तर्जुमा यह है, लहू मा फिस समावाती वल अर्ज, उसी के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, उसी की किबरियाई है, उसी की कुदरत मुतलका है, उसी के इरादा मशीयत का मुजाहरा है। जो कुछ आसमानों में और जमीनों में है वो सब उसी के लिए है, लहू मा फिस समावाती वल अर्ज। गालिबन ये एक जुमला तो आपके मुशाहदात, तजर्बात, आपके मालूमात दीनियात के बाद इस अमर का तकाजा नहीं करता कि इसकी और तफसील की जाए। जमीन व आसमान में जो कुछ भी है उसी के लिए है, वल्लहुद्दीन वासिबा। मेरा उन्वान इकमाल दीन और इतमाम नेमत है। उन्वान के पहले हिस्से के मुतालिक मुझे यह लफ्ज यहां से मिला, वल्लहुद्दीन वासिबा, और उसी के लिए है दीन वासिब, वाव अलिफ स्वाद बे, वासिब। वासिब के माना लुगत अरब में ये है कि जिसमें इनकता न हो, जिसमें रुकावट न हो, जिसके तसलसुल को और इर्तबात को कोई रोक न सके। दीन वासिब, इसके लिए अंग्रेजी दां तबके के लिए जो लफ्ज है वो भी अर्ज करूं, कॉन्स्टेंट, CONSTANT, कॉन्स्टेंट, उसी के लिए दीन वासिब है, यानी जिसमें किसी मंजिल पर भी कजी नहीं, एवज नहीं, मोड़ नहीं, जिसमें किसी मकाम पर ये गुमान न हो कि सुबह को दीन है शाम को नहीं, रात को है दिन को नहीं, गुस्से में नहीं है इन बेसात में है, मरज में नहीं है सेहत में है, नहीं। दीन वासिब वो है कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते गुस्से में इंबेसात में नींद में बेदारी में अमल में गफलत में हर मौके पर उसी के लिए दिल झुका हुआ हो, बंदगी उसी के लिए हो, फितरत इंसान उसी की तरफ हमीदा हो और हर आन खूय तस्लीम से इंसान मुत्तसिल हो। दीन वासिब, वाव अलिफ स्वाद बे, एक लफ्ज का इजाफा हो रहा है उसको याद रखने की कोशिश कीजिए, दीन वासिब वलहुद्दीन वासिबा अफगैरल्लाह तत्तकून, क्या इसके बावजूद भी गैर खुदा से डरोगे?
क्या इसके बावजूद भी गैर खुदा से डरोगे? अफ़गैर अल्लाह तत्तकून। और उसके बाद इरशाद होता है, और तुमको जो नेमतें अता हुई और तुम पर जो नेमतें हमने मबजूल की वो सब अल्लाह ही की तरफ से। फमिन अल्लाह फइजा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु, और जब तुम पर कोई जहमत आती है, जब तुमको कोई तकलीफ होती है, जब तुम किसी मुसीबत में मुब्तला होते, इलाही है तजअरून, तो उसी की बारगाह में चीखने लगते हो, चिल्लाते हो कि मुझ पर ये मुसीबत पड़ी, ये भी एक नेमत है, ये भी एक नेमत है कि मुसीबत के वक्त तुम्हारी तवज्जोहात उसी की बारगाह की तरफ हो जाती है, उसके गैर की तरफ नहीं होती। जाहिर है कि मैं आगाज तकरीर में, इब्तिदाए तकरीर में और खुसूसन आज की तकरीर में अपने आप को महदूद रखूंगा एक ही लफ्ज तक, जब तक कि वो लफ्ज पूरी तरह समझ में ना आ जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, और वो लफ्ज है दीन। कुरान मजीद ने इसकी इतनी इजाफतें दी हैं दीन के साथ, और कुछ इस तरह से दीन को जगह जगह मुत्तसिफ किया कि उन सबको समझने की जरूरत है। सूरह जुमर, यह सूरह नहल, सूरह जुमर, वलहुद्दीनुल खालिस, अला लहुद्दीनुल खालिस, उसी के लिए है दीन खालिस। दीन वासिब कहा, अब दीन खालिस कहा, उसी के लिए है दीन खालिस। सूरह सफ कलाम मजीद का 61वां सूरा है, उसमें इरशाद हुआ कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक, उसने रसूल को हिदायतों के साथ भेजा और दीन हक के साथ। दीन वासिब, और उसके बाद दीन खालिस, फिर उसके बाद दीन हक। सूरह बकरा में इरशाद हुआ, इन इद्दत शहूर इंद अल्लाह इस्ना अशर शहर फी किताब अल्लाह यौम खल्क समावाती वल अर्द मिन्हा अरबातुन हुरम ज़ालिक दीनुल क़य्यिम। अब एक और इस्तिलाह मिली, दीन क़य्यिम, दीन वासिब, दीन क़ालिस, दीन क़य्यिम और दीन हक। फिर इसके बाद एक मरतबा इरशाद हुआ, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, सूरह रूम 30वां सूरा, 30वें सूरे की 30वीं आयत, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। मगर इससे पहले दीन कय्यम पे तो गुफ्तगू हो चुकी, इससे पहले जो आयत है वो भी सुन लीजिए, फअकिम वजहका लिद्दीन हनीफा, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, अब अपने चेहरे को मुतवज्जह कर दो, फेर दो चेहरे को, कायम रखो दीन हनीफ की तरफ। एक और लफ्ज मिला, हनीफ यानी रास, जिसमें कजी ना हो, स्ट्रेट, हनीफ स्ट्रेट। दीन हनीफ, दीन कय्यम, दीन खालिस, दीन वासिब, दीन हक। सूरह बकरा में इरशाद हुआ, हजरत याकूब ने यूसुफ को बुला के कहा कि बताओ मेरे बाद किसकी परस्तिश करोगे? इन्नल्लाहस्तफा लकुमुद्दीन फलाओ तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को मुस्तफा किया है, न मरना मगर मुस्लिम, ये दीन है मुस्तफा है। इन्नल्लाहस्तफा लकुमुद्दीन, तुम्हारे लिए दीन को मुस्तफा किया, तुमको मुस्तफा किया नहीं है।
अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को मुस्तफा किया। सूरह बकरा, सूरह नूर 24वां सूरह कुरान मजीद। अल्लाह ने वादा किया कि तुमको इसी तरह से जमीन में खिलाफत मिलेगी जैसा कि तुमसे पहलों को मिल चुकी है। और तुमको तमकीन देगा दीन मुर्तजा के साथ, तुमको तमकीन देगा दीन मुर्तजा के साथ, उस दीन के साथ जिसको पसंद किया मुस्तफा बरगुजीदा, मुर्तजा पसंदीदा। तो अब दीन कय्यम भी, दीन वासिब भी, दीन हक भी, दीन हनीफ भी, दीन मुस्तफा भी, दीन मुर्तजा। इतने अल्फाज मुसलसल कुरान मजीद में मिले। और आखिर में सूरह नस्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इजा जा नस्रुल्लाह वल फतह वरायतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा। अब यह दीनुल्लाह भी, तो अब इतने अल्फाज आपको याद हो गए, वो क्या है फिर इसकी बहस बाद में शुरू होगी। मगर लफ्ज दीन के साथ इतने अल्फाज इस्तेमाल किए गए, दीन वासिब, दीन कय्यम, दीन हक, दीन मुस्तफा, दीन मुर्तजा, दीन हनीफ और आखिर में दीनुल्लाह। तो अगर वाकई कोई ऐसा दस्तूर हयात है जिसको दीन कहते हैं, अगर वाकई कोई ऐसा दस्तूर हयात है जिसको दीन कहते हैं, तो वह दस्तूर हयात उन हाथों में न हो, उन हाथों में न हो कि जो इंसान खुद अपने लिए गैर मुस्तकिल और गैर मरबूत हो इसलिए कि दीन वासिब है। और दीन उन इंसानों के पास न हो जिनकी फितरत में कजी हो इसलिए कि दीन हनीफ है। और उन इंसानों की निगरानी में न हो कि जिनकी तबीयत में हमेशा इनकलाब है इसलिए कि दीन कय्यम है। और उस क़ियादत में ये दीन न जाए कि जहां बातिल परस्ती हो इसलिए कि दीन हक है। और पस्त फितरत इंसानों के पास ये दीन की लगाम न हो इसलिए कि दीन मुस्तफा है। और ना पसंदीदा अजनबियों को दीन की निगरानी न दी जाए इसलिए कि दीन मुर्तजा। जाहिर है गैर हक का तसव्वुर करने वाले और गैर हक की आमेजिश को हक के साथ जायज समझने वाले दीन की जिम्मेदारी न कबूल करें इसलिए कि यह दीनुल्लाह है। अब आपने देखा सिर्फ लफ्ज दीन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि उसके मा लहू व मा अलैह को समझ लें। दीन कुरान मजीद में इन मुख्तलिफ अल्फाज के साथ दीन को याद किया गया और मैं समझता हूं कि मजीद तकरार की जरूरत नहीं, आपके हाफिजे पर हमेशा मुझे नाज रहा है। सिलसिले तकरीर में जहां कहीं जो लफ्ज मुनासिब हो उसको फिर याद दिलाने की कोशिश की जाएगी और दोहराया जाएगा। मगर एक अजीब बात यह कि इतने सिफात दीन के गिनवा कर वासिब, हनीफ, हक, कय्यम, मुस्तफा, मुर्तजा और दीनुल्लाह बतला कर कहा इन दीन इंदल्लाह इस्लाम।
अल्लाह की इंदियत में जो दीन है वो इस्लाम, अल्लाह की इंदियत में जो दीन है वो इस्लाम है। अब इन तमाम सिफात के साथ इस्लाम को मुत्तसिफ करते जाइए। इस्लाम वासिब भी है, हनीफ भी है, हक भी है, कय्यम भी है, मुस्तफा भी है, मुर्तजा भी है, दीन खुदा भी है, ये सब इस्लाम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और उसके बाद जाहिर है कि जब वही से दीन की इतनी तौसीफ हो जाए तो साहेब वही से भी पूछें कि कुछ आप दीन को समझाने की कोशिश करें। तो सरकार रिसालत फरमाते हैं बुदअद्दीन व गरीबा व सयऊद गरीबा, दीन की इब्तिदा गरीब है, दीन की इंतहा गरीब। बुदअद्दीन व गरीबा, दीन की इब्तिदा गुरबत से हुई, दीन की इंतहा गुरबत पर हो, गरीब है दीन। अजीब बात यह है कि हमारा मशहूर मुसन्निफ मिस्र की सरजमीन से किताब लिखता है जो इस वक्त माशाल्लाह से बहुत ज़ईफ है और काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी है, वो इकबाल का ज़माने तालीम लंदन में देख चुके हैं, मोहम्मद अली हौमानी, इनकी एक मशहूर किताब है दीनुन व तमदीनुन। दीन के मुतालिक तो आप समझ गए, तमदीन के माना ये है कि जिंदगी बसर करना, मदीना मदनियत तमदीन, जिंदगी बसर करना, दीन और दीन के साथ जिंदगी, दीनुन व तमदीनुन। यह एक अजीब और गरीब किताब है। इस किताब का तारुफ इसलिए जरूरी है कि उमूमन तन्हाई की सातों में इस किताब के एक ही जुमले ने मुझे बेचैन रखा। किताब को जब शुरू किया है दीन उन व तम दीन इनको हौमानी ने, तो पहला जुमला यह है, एक बार इस किताब को शाया किया सऊदी अरब के एक वजीर ने, सऊदी अरब के एक वजीर ने इस किताब को शाया किया, और यह किताब मिस्र में आजकल जामे अजहर में बड़े खास तवज्जुहात का मरकज बनी हुई है। दीनुन व तमदीनुन का आगाज इस एक जुमले से है, वो जुमला आप याद रखेंगे, जरूर याद रखिए, वो जुमला यह है अरफ्तुल्लाह बे मुहम्मदिन, मैंने अल्लाह को पहचाना मोहम्मद से, वो अरफ्तु मुहम्मदन बे अली, मैंने मोहम्मद को पहचाना अली। कलम में पहला सफा बस एक ही जुमला है अरफ्तुल्लाह बे मुहम्मदिन, वो अरफ्तु मुहम्मदन बे अली। मगर किस्सा यह है कि हौमानी आलिम सही फिर भी मासूम नहीं है, हौमानी आलिम सही फिर भी मासूम नहीं है। जब किसी ने अली से पूछा कि आपने मोहम्मद को कैसे पहचाना, तो उन्होंने कहा अरफ तो मोहम्मद बिल्ला, मैंने मोहम्मद को पहचाना खुदा के जरिए। हमारी निगाह यह है कि हम मोहम्मद को देखें अली के जरिए, और अली की निगाह यह है अली मोहम्मद को देखें खुदा के जरिए। इतना फर्क है निगाहों में। मगर किस्सा यह है कि शायद शायद हम ही हक पर हों, शायद हम ही हक पर हों अपनी इजाफत के एतबार से, इसलिए कि हम मासूम तो हो नहीं सकते, इसलिए हमने दामन थामा है मासूम का, उस निगाह का दामन थामा है जिसने निगाह खालिक से मोहम्मद को देखा है, हम उस निगाह से मोहम्मद को देख रहे हैं। अज़ीज़ान-ए-गिरामी, मोहम्मद अली हौमानी, किताब का नाम है दीनुन व तमदीनुन। इसका
پہلا جملہ آپ کو ازبر ہو گیا ہوگا۔ کچھ صفحات کے بعد انہوں نے اس بحث کو چھیڑ دیا کہ دین کی ابتدا غریب ہے، دین کی ابتدا غریب ہے، اور اس بحث کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ اقبال کا زمانے طالب علمی تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ 21 اپریل کی رات کو میں یہ گفتگو کر رہا ہوں جبکہ کل قوم یوم اقبال منانے والی ہے۔ بشرط حیات میں بھی کل اس عمر کی کوشش کروں گا کہ مجلس عزا کے تعلق سے ہو سکے تو اقبال پر گفتگو ہو جائے، کیونکہ یہی تو وقت ہے اقبال کو پچنوانے کا۔ میں نے پٹیل پارک میں شاید 9 محرم کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ سال گزشتہ جب ہم مسلسل اقبال پر گفتگو کر رہے تھے تو ایک بزرگ جو بڑے مداح تھے اقبال کے، وہ درمیان مجلس سے یہ کہہ کے اٹھ گئے کہ ہوں یہ بھی وہی نکلا، یہ بھی وہی نکلا۔ تو میں اس جملے کو سننے کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہوں گا کہ یہ جملہ پھر دہرایا جاتا رہے، یہ جملہ دہرایا جاتا رہے، اس لیے کہ اقبال جو کچھ بھی ہیں میں نے اس کا بھی اعلان کر دیا عقائد کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے۔ لیکن اس کے باوجود جب انسان ذرا سا حق گوئی کی طرف مائل ہوتا ہے، ذرا سا حق گوئی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو دنیا کس طرح سے کنارہ کر کے اڑ جاتی ہے، یہ امر بڑا دلچسپ ہوتا ہے، بڑا دلچسپ، خصوصاً آج اس دور میں زیادہ توجہات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس چیپٹر کو قائم کیا کہ بدع الدین و غریبا، دین کا بدع، دین کی ابتدا غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کا زمانے طالب علمی تھا اور وہ اپنی ڈاکٹریٹ کے لیے تھیسس کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک لفظ کے معنی سمجھنا چاہتا ہوں اور وہ لفظ ہے غریب، اور آپ عرب ہیں، آپ بتلائیں۔ تو ہومانی نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر اقبال کو یہ بتلایا کہ غریب کے معنی وہ نہیں ہیں کہ انسان مجبور ہے، ہلاکت زدہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا بہی معنی کہ مسافر ہے۔ پھر اقبال نے کہا پھر غریب کے معنی کیا ہیں؟ کہا غریب کے معنی لغت عرب میں، اصطلاح میں، محاورے میں یہ ہیں کہ کسی شخص کا ایسے معاشرے میں آنا کہ وہ معاشرہ اس شخص کو نہ سمجھ سکے، نہ پہچان سکے۔ غریب یعنی سطح فکر سے عوام کے بلند ہونا، عوام کے سطح ذہن سے بلند ہونا، عوام کے شعور سے بلند ہونا، عوام کی دست رس سے بلند ہونا، عوام کے فہم و ادراک سے ورے ہونا، اس کو کہتے ہیں غریب۔ غریب، اور اسی معنی میں لغت میں مسافر کے بھی معنی آئے کہ مسافر جب کہیں وارد ہوتا ہے تو لوگ اس کو کم پہچانتے ہیں، کم پہچانتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ہومانی کہ میں نے جب یہ تفصیل دی تو اقبال پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوئی، انہوں نے کہا تو کیا غریب اور فقیر ایک ہے؟ ہومانی نے کہا نہیں، غریب وہ ہے کہ جو سطح ذہن عمومی سے بلند ہو، فقیر وہ ہے جو انتہائی نقاہت و کمزوری کے عالم میں اعلیٰ ترین قوتوں کا مظاہرہ کرے، انتہائی کمزوری اور نقاہت کے عالم میں اعلیٰ ترین قوتوں کا مظاہرہ کرے۔ یہ فقر ہے اور وہ غربت ہے، لفظوں کو یاد رکھنے کی کوشش کی۔ اسی لیے ختمی مرتبت کی حدیث ہے الفقر فی حافر فقری فی خیر، یہ فقر میرا فقر ہے۔
यानी बज़ाहिर तुम्हारी निगाहों में कमजोर, मगर जब कुव्वत का मुजाहिरा करता हूं तो अली को यह कहना पड़ता है कि मैंने रसूल से ज्यादा किसी को जरी नहीं पाया, रसूल से ज्यादा किसी को शुजा नहीं पाया। और फरमाते हैं गैरा नाकुलिन अनकुदमिन वला वाहिन फी आजम, मैंने कभी किसी मकाम पर इकदाम की मंजिल पर रसूल को सुस्त राह न पाया, इकदाम की मंजिल पर रसूल को सुस्ती करने वाला नहीं पाया। वला वाहिन फी आजम, और न आजम के मौके पर कभी उनमें कसालत पाई गई। कुदोमिन वला वाहिन फी आजम, न इकदाम से रुकते थे न आजम से घबराते थे, वो इस मंजिल पर अपने फख्र का मुजाहिरा फरमाते थे। तो अब आप समझ गए फख्र के माना क्या है, गरीब के माना क्या है। बुदे अल इस्लाम गरीबा, इस्लाम की इब्तिदा गरीब है, यानी अजहान से बुलंद है, शऊर उमूमी से बुलंद है, फिक्र आम्मा से बुलंद है। आम इंसान नहीं पा सकते हैं, जब इब्तिदा होती है इस्लाम की तो उसको आवाम पा नहीं सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह कहना और है, गुर्बत इस्लाम को दूर करना और है। कलमा पढ़ना और है, उसकी गुर्बत को दूर करना और है। गुर्बत उसी वक्त दूर हो सकती है जबकि सतह फिक्र इस्लाम के बराबर हो जाए। बुद अल इस्लामो गरीबा व सयूद गरीबा, और आउद करेगा आलम गुर्बत में। वो वक्त भी वही होगा जैसा कि किसी मजलिस में अर्ज कर रहा था अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के मुतालिक कह रहे थे, वो जमाना करीब है, लुबसल इस्लाम लुबसल फर्व मकलूबा, के इस्लाम का लिबादा लोग अपने मकसद बरारी के लिए इस तरह ओढ़ लेंगे जैसे दीवाने उल्टी पोस्तीन ओढ़ लेते हैं। लुबसल इस्लाम लुबसल फर्व मकलूबा, इस्लाम को इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा जैसे दीवाने उल्टी पोस्तीन ओढ़ते हैं। तो दीन का आगाज गरीब है, दीन का अंजाम गरीब है। अब ये जबाने वही है, मासूम से गरीब के मुतालिक पूछा गया, मासूम से पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि गरीब की तारीफ कीजिए, गरीब की मिसाल दीजिए। इरशाद फरमाया अम्रना साबुन मुस्तसअब, हमारा अम्र मुश्किल है, मुश्किल तर है। अम्रना साबुन मुस्तसअब, हमारा अम्र दुश्वार है, दुश्वार तर है। हमारी मोहब्बत, हमारी इताअत, हमारी मारिफत दुश्वार है, दुश्वार तर। अम्रना साबुन मुस्तसअब ला यहतमलुहा इल्ला मुमिनुन इम्तहन अल्लाह कल्बहु लिलईमान, उस अम्र का हामिल नहीं हो सकता मगर मोमिन जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान लिया हो। वल मोमिन गरीब, और साहिब ईमान गरीब है, इस्लाम गरीब है, मोमिन गरीब है। मोमिन सतह उमूमी पर नहीं आता, मोमिन जहन उमूमी में नहीं समाता, मोमिन आम फिक्र में दर नहीं आता, मोमिन समझ में नहीं आता। रहता सहता है सबों के दरमियान मगर कोई मोमिन को पहचान नहीं सकता। मोमिन गरीब है, मोमिन अजनबी है, फिक्र उमूमी से बुलंद है, ज़हने आम्मा से बुलंद है, उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। बातें आप ही की हो रही हैं मगर एक मतलब तजर्बा भी तो कीजिए कि जिस घर में रहते हैं जब उस घर के दरवाजे से निकलते हैं तो वाकई क्या आसपास के रहने वालों ने आपको पहचान लिया, क्या वाकई उनको आपकी हकीकत का अंदाजा है कि आपका दिल आपका दिमाग आपका कल आपकी फिक्र हमेशा किन उलझनों में रहती है। अल मोमिन गरीब। अब इस गरीब के बाद इकबाल जब वापस आए और उनका मशहूर शेर आया तो उस वक्त समझ में आया कि गरीब के क्या माना है। गरीबो सादो
रंगी है दास्तान हराम। गरीबो सादो रंगी है दास्तान हराम, नहायत उसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। ना इस्माइल समझ में आए इब्तदा में, देखा आपने, आपके ज़हन गरीब ने इस्माइल की गुफ्तगू के साथ अपने आप को इंतहा तक पहुंचा दिया कि अगर इस्माइल समझ में नहीं आ सकते कि ये कुर्बानी होते हुए इस्माइल कैसे बच गए, तो आपके जहन ने आपको कहां तक खींच लिया। इस्माइल ही समझ में नहीं आए, इस्माइल ही समझ में नहीं आए। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों ने अपने आप को तस्लीम की मंजिल पर पहुंचा दिया और बेटे ने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी। वनादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक्ता रोया इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, वो आयतों का सिलसिला, वो फदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम। इस दौर में क्या क्या हंगामे हो रहे हैं इस लफ्ज इस्तिलाह ज़िबह अज़ीम पर। बार बार यही कहा जाता है कि बड़ी गलत तावील है अगर ज़िबह अज़ीम से किसी और इंसान को मुराद में लिया जाए, किसी और इंसान को ताबीर में लिया जाए। अगर ज़िबह अज़ीम से इबारत किसी और इंसान को करार दिया जाए तो बड़ी गलत तावील होगी। बहरहाल हमको क्या ज़रूरत पड़ी है कि इन मबाहिस में अपने आप को उलझाएं। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि इकबाल का पयाम आम हो, इकबाल को दुनिया समझे। और अगर इकबाल भी गरीब बन रहा है तो फिर इकबाल के कलाम के उस हिस्से को आइंदा इशाअत से रोक दिया जाए कि जहां ऐसे अकायद इकबाल बयान करे, अल्लाह अल्लाह दौए बिस्मिल्लाह बदर मानिए ज़िबह अज़ीम अहमद के साथ, बाए बिस्मिल्लाह बाप है, ज़िबह अज़ीम बेटा है। देखिए उस पैगाम को आम होना है और आज कितनी जबानों में यह पैगाम तर्जमा पा रहा है और नशर इशाअत पा रहा है। बहर सूरत हम ये चाहते हैं कि अकायद में यकीनन गुर्बत होनी ही चाहिए, अकायद को यकीनन ज़हन उमूमी से बुलंद होना चाहिए। दीन गरीब है, दीन गरीब है, दीन वो जायजा, दीन वो जो वासिब है, हनीफ है, कय्यम है, हक है, मुस्तफा है, मुर्तजा है और गरीब है। फिक्र उमूमी और ज़हन उमूमी से दीन बुलंद, दीन बुलंद। और यह दीन पाया कहां जाता है, यह दीन पाया कहां जाता है? इल्मी बहस तो कल होगी मगर जब गुफ्तगू छिड़ गई तो एक मरतबा और सुन लीजिए ना, 21 अप्रैल की रात है, इकबाल ही को सुन लीजिए कि दीन पाया कहां जाता है। अजीब मंजिल है, अमीरुल मोमिनीन की तारीफ करते हुए इकबाल कहते हैं, अज रुखे हूं फाल पैगंबर गिरफ्त, अली का चेहरा देख देख के रसूल फाल लिया करते थे। अज रुके हूं, ये रुमूज खुदी ओ बेखुदी, मुस्लिम अव्वल शाह मर्दा अली, ये मशहूर नज़्म है, उससे पढ़ रहा हूं। अज रुके हूं फाल पैगंबर गिरफ्त, उसके चेहरे को देख के रसूल फाल लिया करते थे। जाहिर है फाल की इस्तेला भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये इस्तेलाह नहीं है, फाल लेना फाल निकालना, दीवान हाफिज से फाल लेना, ये अभी तक हमारे पास तजर्बे में ये नहीं है। बल जहां है ये तजर्बा उन लोगों के लिए, इकबाल कहते हैं कि रसूल अगर फाल लेते तो फाल लेते तो गुफ्तगू किताब की नहीं है, गुफ्तगू कुरान की नहीं है। आज रुके हूं फाल पैगंबर गिरफ्त, उसके चेहरे से रसूल फाल लिया करते थे। मतलब ये जंग का मैदान है, चेहरे को देखा
दूसरों को देखा तो मुरझाए हुए चेहरे। सबको देखा ये कुरान की आयतें, तदूर आयुनहुम कल्लज़ी युक्षा अलैहा मिनल मौत। रसूल ने देखा तो यूं देखा कि वो अपनी पुतलियों को गोल फिरा रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, जैसे मौत की गशी तारी हो गई है। ऐसे चेहरों से फाल क्या ले। बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, पूरा सूरह अहज़ाब 33वां सूरा। जंग का आगाज हुआ, कलेजे मुंह को आ गए। यंजुरूना इलैक, मुसलसल तुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि मालूम नहीं आप क्या हुक्म देता है, और मुर्दनी छाई हुई। और इधर उधर तबले जंग बजा और किसी ने आवाज दी कोई है, और मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, और बार बार खड़े होते हुए अना लहू मैं जाऊं। अज रुके फाल पैगंबर गिरफ मिल्लते हक, अज शिकोहश फर गिरफ। मिल्लते हक ने शिकोह अली से ये शान पैदा की है, ये आज फर फेरे आज शान जलाल। मिल्लत हक का अगर जलाल है तो शिकोह अली से, वो दबदबा है अली का, वो दबदबा है अली का। अज़रुक़ेहु फाल पैगंबर गिरे, मिल्लत हक अज़ शिकोहश फर गिरे। हम दीन के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे, सिलसिला ना टूटे फिक्र का। फरमाते कायनात आई पिजीरस दूदाश, कायनात को अगर दस्तूर मिलता है तो अली के खानदान से। दूध दाल वाओ दाल है दूदा खानदान फैमिली। कायनात आई पिजीरस दूदाश, कायनात आई पिजीरस दी दूदाश, सत्वते दीन मुबीन फरमूदाश। दीन कुछ नहीं है मगर अली के इरशादा, अली के फरमूदा, अली कहते चले दीन बनता चले। लीजिए हमने अकबाल की याद को अभी से शुरू कर दिया है, अगर कहीं महफूज रह जाए। कायनात आई पिजीर दूदाश, सत्वते दीन मुबी फरमूदाश। उसी के फरमूदात है के शौकतो सर सत्वते दीन, उन्हीं के इरशादात से। या फिर इस दीन की गुफ्तगू की तो खत्मी मर्तबत के लिए की, खत्मी मर्तबत के लिए की, के जहां दर्दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा, आबरूए माज़े नामे मुस्तफा, बोरिया ममनून काबे राहतश, तख्ते किसरा जेरे पाए उम्मतश, दर कयाबाने हिरा खिलवत गिदी, कौमो एक सलावत खिलवत गजीद, कौम आईनो हुकूमत आफरीद। कौम को पैदा किया, दस्तूर को पैदा किया, हुकूमत को पैदा किया। इसके बाद एक जुमला देखिए अकबाल का, अस किलीद दीन दरे दुनिया कुशाद, दीन की कुंजी से रसूल ने दुनिया के दरवाजे को खोला। देखा आपने किस सतह फिक्र से गुफ्तगू कर रहे हैं, दीन के किलीद से दुनिया के दरवाजे को खोला है। हम चू पत्ने उमे गेती नजार, इस तरह के किसी इंसान को मादरे गेती ने फिर नहीं पैदा किया। हम चू पत्ने उमे गेती नजार, मादरे गेती ने ऐसा फर्जंद फिर नहीं पैदा किया। अस किलीद दीन दरे दुनिया कुशाद,
दुनिया में जिंदगी के तरीके बतलाए, दीन की राहें बतलाकर, दीन से दुनिया का रास्ता बतलाया। तो या तो दीन को यहां इस्तेमाल या फिर वाकई करबला। इकबाल, तेर बहरे नुसरत दीन, बहरे इज्जत दीन अस्तो बस। हुसैन की तलवार का तस्करा है कि इज्जत दीन के लिए यह हुसैन की तलवार है। मकसदे हू हिफ्ज आईन अस्तो बस, उसका मकसद यह है कि दस्तूर मोहम्मदी महफूज हो जाए। मकसदे हू हिफ्ज आईन अस्तो बस, तेर बहरे इज्जत दीन अस्तो बस। वहां तलवार दीन की इज्जत के लिए, दीन की इज्जत के लिए। तब आपने देखा कि ये अफकार आपके लिए मानूस हैं, मानूस हैं। वो इकबाल की तरफ से आए या किसी और हकीम की तरफ से, आप मानूस हैं, इसलिए कि दिलों का इम्तिहान हो चुका है। अगरचे अम्र मासूम का साब भी है और मुस्तसाब भी है, मगर दिलों का इम्तिहान हो चुका है, इसलिए यह फिक्र आपके लिए अजनबी नहीं है। मगर यहीं कोई होगा जिसके लिए सारी फिक्र अजनबी हो रही होगी, और इस अजनबियत को दूर करने के लिए मैं बार बार इकबाल का नाम ला रहा हूं। सिर्फ अजनबियत को दूर करने के लिए, वरना वरना मासूम मोहताज नहीं है किसी का। मेरी फिक्र का साथ दीजिए, मासूम किसी के तारुफ का मोहताज नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपने करीब से देखा है, आपने नजदीक से देखा है, और पूरी कुव्वतें सर्फ हो रही हैं कि किसी सूरत यह पैगाम आम हो। तो मैं चाहता था कि वहीं से आप भी समझ लें, आप भी समझ लें कि यह तलवार जो खींची गई तो इज्जत दीन के लिए, दो पहर की जंग और इज्जत दीन, चंद साआतों का हंगामा और दीन की इज्जत। तेर बहरे इज्जत दीन अस्तो बस। मैं चाहता था कि इस मंजिल पर पहुंचकर और इन हुदूद फिक्र को मुअय्यन करके हम आज की हद तक आपको जहमत न दें, और ज्यादा सिर्फ इस जुमले से मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें कि दीन के मुताल्लिक कोई गुफ्तगू उसको कबूल करने के लिए कौन चाहिए, और उसको सिनखियत चाहिए, काबिलियत चाहिए, इस्तेदाद चाहिए, सलाहियत चाहिए। और ये सलाहियत और सिनखियत और इस्तेदाद और काबिलियत नामुमकिन है जो पैदा हो जब तक के मोहब्बत ना हो, जब तक के मोहब्बत ना हो, रब्त ना हो, ताल्लुक ना हो, इर्तिबात ना हो। जहां रब्त नहीं वहां सिनखियत नहीं है। अनजान इंसान सुनेगा क्या और सुन के महफूज क्या रखेगा। जहां उंस है वहां हिफ्ज है, जहां मोहब्बत है वहां हिफाजत है, और फिर पैगाम की हिफाजत बे इंतहा अहम है, बे इंतहा अहम है। दीन अपने तमाम सिफात के साथ सबसे उमूमी से बुलंद है, और फिर सबके लिए एक दीन है, सबके लिए एक दीन है। जरा सी फिक्र कीजिए, दीन सबके लिए एक है और गरीब है, सबसे उमूमी से बुलंद है। दीन वासिफ का मुहाफिज, दीन कय्यम का कायद, दीन हनीफ का निगरान, दीन मुस्तफा वो दीन मुर्तजा की तरफ से बोलने वाला।
عوام کی فکر میں کیسے آئے, عوام اس کو کیسے سمجھے, یہ آج کی بات نہیں ہے. خواہ مخواہ کے کیوں ذہنوں پر بار لیجئے, خواہ مخواہ کے کیوں دل میں گرانی پیدا کیجئے, آج کی بات نہیں ہے. میں واپس جا رہا ہوں کربلا. اسی جملے سے کیا سب کے سب کلمہ گو نہ تھے؟ کیا سب کے سب کلمہ گو نہ تھے؟ تھے تھے. بہت غور سے سن, کیا اس میں یہودیوں کا لشکر تھا, مجوسیوں کا لشکر, نصرانی آئے تھے قتل حسین؟ نہیں نہیں, بیعت کا مسئلہ تھا. بادشاہ وقت نے اپنا لشکر بھیجا تھا, نمازیں پڑھتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے قتل حسین کی تیاری کر رہے تھے. سب کے سب کلمہ گو تھے. پھر کیا بات ہے کہ علی کی بیٹی مقتل میں آ کے یہ پوچھتی ہے اما فیکم مسلمون, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ علی کی بیٹی کی آواز آج تک گونج رہی ہے کانوں میں, اما فیکم مسلمون, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ نگاہ غیرت الہی ہے, وہ نگاہ عمومی ہے. فرق آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, نگاہ غیرت الہی یہ ہے, اما فیکم مسلمون, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ تو کیا جانے دنیا کہ یہ کیسا قافلہ فرات کے کنارے آیا تھا, اور یہ ایک دن میں کیا واقعہ ہوا, اور یہ واقعہ قلب و دماغ عالم پر کس طرح محیط ہوا, اور صدیاں گزر جانے کے باوجود اس میں زندگی کیسے آئی اور کیسے رہی, اور یہ کن موجوں پر جا رہا ہے, کن امواج غم پہ یہ داستان جا رہی ہے, کسی کو کیا خبر. مگر جس میں انس ہو, جو نزدیک ہو, جس میں صلاحیت ہو, جس میں استعداد ہو, کوفے کے دربار میں سب کے سب کلمہ گو تھے, والی بھی کلمہ گو تھا, حاضرین بھی کلمہ گو تھے, اور ایسے میں اس نے خطبہ دیا, عبید اللہ ابن زیاد نے خطبہ دیا, اور خطبہ دے کے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک سلسلہ بغاوت کو ختم کیا, اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف اٹھتی ہوئی آوازوں کو روک دیا گیا, اور اس قبیلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا جو ہمیشہ بغاوت پر آمادہ رہتا تھا. سبوں نے اس خطبے کو سنا, اس میں جملے زیادہ سخت تھے, جملے زیادہ سخت. دربار کے کسی گوشے سے ایک 86 برس کے ضعیف نے اصابت تکیا کر کے کانپتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی, اور ایک مرتبہ اتنے سخت جملے سے آغاز کیا کہ وہ جملہ اب بھی میں کہہ نہیں سکتا, میں دوستوں کی محفل میں وہ جملہ کہہ نہیں سکتا. خطاب کیا, اور خطاب کر کے کہا شقی, شقی کے بیٹے, ظالم, ظالم کے فرزند, بدعہد, بدعہد کے بیٹے, آج تیری یہ مجال ہے کہ تو حسین کو باغی کر؟ جیسے ہی عبداللہ ابن عفیف کی زبان سے یہ جملے نکلے, دربار میں سناٹا چھا گیا, اس لیے کہ سب کی نگاہیں جانتی تھیں عبداللہ ابن عفیف ہیں, اندھے ہیں, دونوں آنکھوں سے معذور ہیں, سیدھی آنکھ جمل میں ضائع ہوئی ہے, بائیں آنکھ صفین میں ضائع ہوئی ہے, مگر دل میں صلاحیت و استعداد و سنقیت و انس اتنا ہے حسین سے. اب میری تقریر کے رب کو آپ سمجھ کا, شقی, شقی کے بیٹے, ظالم, ظالم کے فرزان, تیری یہ مجال ہے کہ حسین کو بد کہ وہ کہ جس کے صدقے میں آج تو اپنے آپ کو مسلمان کہ تو حسین کو بد کہ. عبداللہ ابن عفیف نے کہا اس اندھے کو پکڑ لو, اس اندھے کو پکڑ لو, کوفے کے دربار میں حراس ہو,
निगहबान हो अरकान शुरता, यानी उसके महकमे इंतजामिया के लोग दौड़े। बनी अजद ने तलवारें खींची, कहा अब्दुल्ला इब्ने अफीफ लावारिस नहीं है अमीर, लावारिस नहीं है, 500 तलवारें खींच गई। कहा बुढ़े को लावारिस समझता है, अभी कबीला उसका है, अभी उसकी काम जिंदा है, क्या गुजरी होगी अभी जब बीमार के दिल पे। जिसका वारिस होता है उसको यूं बचा लेते। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ का हाथ एक अजब के कबीले वाले ने थामा, कहा चलिए, और तलवारों के साए अपने सरदार को लेकर चले। मुड़ मुड़ के देखते जाते थे और कहते जाते थे, इब्ने ज़ियाद लावारिस ना समझना। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ को घर पहुंचा, घर पहुंचा। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ की एक ही बेटी, कोई और औलाद न थी, बेटी जमा साल थी। बाप को गुस्से के आलम में देख के बेटी का दिल दहल गया। का बाबा खैर, का कुछ नहीं, कुछ नहीं। उस शकी ने, उस बागी ने आज मेरे मौला को बुरा कहा। बेटी मेरा दिल चाहता था कि आज मेरी आंखें होती और मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं कर्बला की याद कूफे में ताजा करता। नमाज मगरिब से अब्दुल्ला इब्ने अफीफ फारे हुए, कबीले वाले अपने अपने घरों को गए। इब्ने रियाद ने अपने आदमियों को बुलाया, कहा हमला कर दो अब्दुल्ला इब्ने अफीफ के घर पे। लश्कर वालों ने अब्दुल्ला इब्ने अफीफ के घर को घेर लिया। देखिए यह कर्बला है मुसलसल, अभी अहले बैत कूफे में है, अहले बैत कूफे में है, उसी दिन का वाकया है, शहादत मुसलसल है। घर को घेर लिया, तलवारों के झनकारों की आवाज को सुनकर बेटी ने कहा बाबा दुश्मन आ गया। मुस्कुरा के कहा इसी दिन की तो तमन्ना थी, इसी दिन की तो आरज़ू थी कि मौला के पाए अक़दस मेरा नाम रहे। अल मोमिन गरीब, आपने देखा अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अगर अपनों अपने आप को बचाना चाहते तो चुप रहते, कूफे की मस्जिद में जबान क्यों हिलाई उन्होंने, चुप हो जाते। मगर अल मोमिन गरीब ये सत्य फिक्रे उमूमी से बलंद है। कब बेटी इसी दिन की तो तमन्ना थी, कब बाबा रात का वक्त, कब क्या परवाह, क्या परवाह, आंख न रखने वाले के लिए दिन और रात एक है बेटी, दिन और रात एक है, तो मेरी तलवार तो दे दे। बेटी ने तलवार दी और कहा बेटी दुनिया के मझधार में अकेला छोड़ रहा हूं, मगर परेशान ना हो ना, हुसैन के बच्चों को याद करना, वो जो भरपूर घर उजड़ गया ना उसको याद करना, कभी अपनी तन्हाई का मलाल ना करना बेटी। ये कह के बेटी की पेशानी के पर बोसा दिया, गले से लगा के कहा सीधे जानिब खड़ी हो जा, आंखें नहीं है आंखों का काम कर, आंखें नहीं है आंखों का काम कर, मेरी दिल की आंख बन जा, जिधर से हमला हो बतलाती जा। बाबा सीधी तरफ से हमला हुआ, बाबा बाईं तरफ से हमला हुआ, बाबा सामने से हमला हुआ, बस आवाज देती जा। बेटी पीछे खड़ी हो गई, ये बहादुर बाप, ये बहादुर बेटी। मोमिन गरीब, दरवाजे को ताड़ के लश्कर आया और बेटी ने पुकारना शुरू किया, बाबा सीधे हाथ को बचाइए। और अब्दुल्ला इब्ने अफीफ ने हमला किया, बाबा बाएं हाथ पे हमला हो रहा है, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ ने बाईं तरफ हमला किया। 24 आदमियों को अब्दुल्ला इब्ने अफीफ ने कत्ल किया, जख्मी हुए, गिरे गिरे और बेटी से कहा तुम हट जाओ, बेटी सामने से हट जाओ, ये लोग मेरा सर कलम करेंगे, ये लोग मेरा सर कलम करेंगे, मेरी जान, हट जाओ। अब्दुल्ला
عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی ہٹ گئی, عبداللہ ابن عفیف کا سر قلم کیا گیا, سر کو بھی لے چلے لاش کو بھی لے چلے. بیٹی دروازے تک استقبال کے لیے آئی اور پھر رک گئی. ابن زیاد کے دربار میں رات کے وقت سر پہنچا, کہا یہی سزا اس کے لیے لازم تھی. سر آیا قبر شہدا کے سروں کے پاس, اس سر کو بھی رکھ دو, میری جان قربان اس شہید پر کہ جس نے بعد کربلا یہ مقام پایا ہو کہ شہدا کربلا کے سروں کی صفوں میں عبداللہ ابن عفیف کا سر بھی آئے. اور کہا کوفے کے اس محلے میں جہاں مکان تھا عبداللہ ابن عفیف کا, وہاں ایک درخت پہ لاش کو آویزہ کر دو. عبداللہ ابن عفیف کی لاش آویزہ کر دی گئی, بیٹی کو خبر ملی باپ کی لاش آویزہ ہے. سر پہ چادر ڈال کے بنی عزت کے قبیلے کی طرف چلی اور ایک مکان پہ آ کے رکی اور کہا تم نے صبح کے وقت میرے باپ کو بچایا تھا, آج میرے لیے ذلت کا مقام یہ ہے کہ بے غسل و کفن لاش میرے باپ کی اس درخت پہ آویزہ ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ 400 جری پھر چلے. عبداللہ